बिस्मिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब? खैर खरिया से हैं और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके शौक़ को भी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी सलामत रखे। और आप दोस्त जो हैं हमारे साथ तावन करते हैं, हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, तो कोशिश किया करें हमारी वीडियो जो है पूरी देखा करें और उसमें आपका हमारा आपके देखने से हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। तो हमारा जो है टिकटॉक अकाउंट है फियाज़ खान बखर के नाम से और यूट्यूब चैनल जो है वो भी फियाज़ खान बखर के नाम से है। तो ये दोस्तों मेरा है चक्रियों वाला पीड़ों वाला तितर है, ठीक है, और ये बहुत ही बोलता है, बहुत ही बुलियार है और बंदे का मस्तोल भी है, देखे माशाल्लाह। ये जो मेरा तितर है इसको मैं कुंडी भी निकाल दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है मेरे पास और भी ब्लैक तितर पड़े हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं आप इनको, मैं आपको करीब की वीडियो दिखाता हूँ, सब परिंदे आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और बहुत सारे मेरे परिंदे आज भी सेल हुए हैं और कुछ सेल हुए हैं मैंने रात को कार्गो करवाने हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये वाला तितर मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी दिखाया था, तो इसको हो गया फालज, ठीक है, और इसको जो है अभी मैं दवाइयाँ वगैरह दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दो दिन हो चुके हैं बैठा हुआ है, किसी टाइम पाँव के ऊपर बैठ जाता है, कभी किसी टाइम नहीं बैठ सकता। तो इसकी जो है आज और दवाई तैयार कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे भाई ये तितर आज पाँव के ऊपर खड़ा हो चुका है। और इसकी जो है कुछ जो हमने इनको दवाई वगैरह दे चुके हैं और कुछ जो है अभी दे रहे हैं। ये जो फालज वाला परिंदा होता है उसके ऊपर टाइम बहुत सारा लगता है, ये फ़ौरन नहीं खड़े हो जाते। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के मैंने तितर ठीक भी करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख लें, और फालज वाला, लकवे वाला, झोले वाला परिंदा जो है उनकी दवाई हर किस्म की अलग अलग होती है। मैं आपको दवाई भी बता दूं तो आप कहेंगे भाई फियाज़ भाई किसी के परिंदे को कोई मसला और हो आप वही दवाई दे देंगे तो ये परिंदा नुकसान होता है। कोई भी दवाई हो, हर परिंदे की बीमारी की दवाई जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है, हर परिंदे की दीवार बीमारी, हर बीमारी की अलग अलग दवाई है, फालज की अलग है, लकवे की अलग है, झोले की अलग है। तो इसलिए इनको जो है अभी जो है मैं इनको ब्लैक चूड़े चने जो होते हैं ना वो खिला रहा हूँ इनकी ताकत के लिए, और उसके बाद इनको दवाई भी दे रहा हूँ साथ साथ। और ज़्यादा हीट वाली गर्माइश वाली दवाई नहीं दे सकता, ये परिंदे ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ऐसा जो है इसने अल्हम्दुलिल्लाह उठना है, ये पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जो है ये मैं लेकर आया हूँ ईरानियों का प्यार है, इंशाल्लाह चेक कर लें, ब्रीडर प्यार है ये तितरों के अंदर। पहले दिन जो आया था नया नया उस दिन इसने आके मादा को मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है इसके जो पार पटे हुए हैं वो भी आ रहे हैं और ये ठीक भी हो जाएगा, अभी नहीं मारता। और उसके बाद जी ये वाला जो प्यार है, ये वाला प्यार मैंने आपको खुडे के अंदर दिखाया था, इन्होंने चार अंडे दे चुके हैं और खुडे के अंदर मेरे इससे अच्छे कीमती परिंदे अंडा देने शुरू हो गए थे, फिर मैंने इनको निकाल लिया है, ये पिंजरे के अंदर अंडे दे रहे हैं। और उसके बाद जो है कि माशाल्लाह ये चेक करें, फुल साइज़ का जोड़ा है, बड़े साइज़ का जोड़ा है, फुल कदावर जोड़ा है, और अंडों बच्चों वाला जोड़ा है, आज़ाद घूमने वाला जोड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं आज़ाद घूमने वाले हैं, घर के पालतू परिंदे जंगली परिंदे नहीं हैं, ये चेक कर लें। और दोस्तों उसके बाद जो है जी आपको जो है मैं फार्म वाले परिंदे दिखाता हूँ, वो भी आप चेक करेंगे इंशाल्लाह, आप कहेंगे भी बाकी भी बहुत सारे आपने परिंदे रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास हैं जी दो फीमेल, वाइट की फ़ीमेलें हैं, जिसको फ़ीमेलें चाहिए तो दो ये मिल जाएंगी, ठीक है, अंडों बच्चों वाली मादाएँ। ये जो इसने है फर्स्ट ब्रीड करनी है वो ब्रीडर मादा है, उसको नार ने मारा था, अभी उसका सर का ज़ख्म भी ठीक हो चुका है, पार भी आ रहे हैं। और उसके बाद है जी ये वाइट वाली मादा, ये माशाल्लाह चेक कर लें, फुल साइज़ है, बड़े साइज़ की मादा है, अंडों बच्चों वाली मादा है, तो जिस भाई को ये मादा चाहिए हो तो ये मादा भी मिल जाएगी। और उसके बाद जी ये माशाल्लाह चेक करें, ये फर्स्ट ब्रीड वाले पट्टे हैं, बहुत ही आला साइज़ और बड़े साइज़ के पट्टे हैं और क्रॉस भी हो रहे हैं, तो जिस भाई को ये प्यार चाहिए हो तो ये भी मिल जाएगा। मेरे पास जो है फार्म पूरा भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है, आज मेरे तीन चार जोड़े जो हैं वो कार्गो होने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है फिर उसके बाद कुछ जो प्यार हैं मैं आज उनको आज ही खुडे के अंदर छोड़ दूंगा। और ये वाला चेक कर लें जी, वाइट की मादा है, पट्टी है, फर्स्ट ब्रीड करने वाली, और इसके पर कुछ चंद चंद रह चुके हैं, बकाया वाइट हो चुकी है, ये ब्रीडर ना रहे, ये भी अंडों के ऊपर तैयार हैं, इनको जगह देंगे तो इंशाल्लाह ये भी अंडे बच्चे करना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद है जी ये चेक कर लें, माशाल्लाह वाइट का प्यार है, नार जो है बिल्कुल वाइट है, मादा जो है हाफ वाइट है, ये ब्रीडर प्यार है, अंडों बच्चों वाला प्यार है, अंडों के ऊपर तैयार है,
ये खुदे के अंदर मैंने पकड़े थे और अभी इनको खुदा मिल जाए तो दो दिन के अंदर अंदर ये जो खुडे, दो तीन दिन के अंदर अंदर खुडे के अंदर बच्चे देना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जी ये वाला चेक कर लें, ये ब्रीडर पे आ रहा है, मादा जो है उसके चंद चंद पर रहते हैं और बिल्कुल वाइट हो चुकी है, ये लो ब्लड लाइन के हैं। और नर जो है ये हाफ वाइट है, चंद चंद पार निकाले हुए हैं। और उसके बाद जी ये वाला चेक कर लें प्यार, माशाल्लाह नर जो है वो आधा वाइट हो चुका है, बहुत सारे पार निकाल चुका है, मादा जो है वो बहुत सारी वाइट हो चुकी है, चंद चंद पार रह गए हैं। और उसके बाद ये वाला चेक कर लें, ये वाइट पट्ठों का प्यार है, ये फीमेल है वो मेल है, जिस भाई को ये प्यार चाहिए हो तो ये मिल जाएगा। और जो है हमारे पास वाइट 73 जो हैं यही बचे हुए हैं, बकाया खुडे के अंदर हैं। और उसके बाद जी ये मेरे पास पड़ी हुई हैं तीन फीमेल, ये तारिक साहब हैं, कुरेशी हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, उनकी एक मादा जो है उनको मैंने ये सेल कर दिया, दो मादा ये मेरे पास बच चुकी हैं। और ये वाली जो दो मादा हैं ये वाइट पट्ठियाँ हैं, वाइटों में से हैं, इनकी उम्र जो है 2.5 माह है, ये वाइट होना शुरू हो गई हैं। तो जिस भाई को ये दो मादा चाहिए तो जो दो मादा भी मिल जाएंगी। और उसके बाद ये ईरानी की मादा है, जिस भाई को ये ईरानी की मादा चाहिए तो ये ईरानी की मादा भी मिल जाएगी। ये अंडों के लिए तैयार है, नर सिर्फ इनके साथ छोड़ने, ये क्रास नर करना शुरू कर लेगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडे देना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जी ये वाली जो है ये वाइटों में से है, नोक भी वाइट है, सार भी वाइट है, और पीछे भी हल्के पुलके पार निकालना शुरू हो गई है, ये लो ब्लड लाइन की है। जिस भाई को ये मादा चाहिए ये ईरानी रेट पर मिल जाएगी, और ये वाली चेक कर लें। और उसके बाद जी ये है ईरानी फीमेल, फुल बड़े साइज़ की है, ये अलग लेना चाहें तो अलग मिल जाएगी, और जोड़ा लेना चाहेंगे तो जोड़ा इसके साथ वाला मेल जो है वो पड़ा हुआ है, ये फुल साइज जोड़ा है। और मेरे पास पिंजरे नहीं थे, एक पिंजरे के अंदर ये झूठ में नहीं आ सकते, बड़े तीतर हैं, बड़े साइज़ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है जी ये चेक कर लें, ये वाइट नोक वाली मादी है और पीछे भी वाइट पा रहे हैं, और ये ईरानी नर है, ये ब्रीडर पेयर है, जिस भाई को ये चाहिए ये मिल जाएगा। इसकी दुम पट्टी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुम आ रही है, दुम इसकी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जी ये माशाल्लाह चेक कर लें, ईरानियों का प्यार है, फुल साइज़ बड़े साइज़ का, माशाल्लाह चेक कर लें, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़े साइज़ का जोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। और उसके बाद जी ये वाला चेक कर लें, ये भी ईरानियों का प्यार है, फुल साइज़ प्यार है, जिस भाई को ये भी चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये ब्रीडर प्यार है, ये भी नार जो है इसकी नोक भी वाइट है, पीछे भी हल्के फुल्के पार वाइट निकाले हुए हैं, और उसके साथ वो फीमेल है ईरानी की। और दोस्तों ये माशाल्लाह चेक कर लें, ये देसी वाइट हैं, जिसको देसी वाइट कहते हैं गोरे, ये फीमेल है और वो मेल है, और ये फीमेल भी है। और मेरे पास जो है दो नार जो थे वो सिटी पे ज़्यादा जो बोलते थे वो सेल हो गए हैं, और एक प्यार था वो भी सेल हो गए हैं। ये नई मादा लेकर आया हूँ, ये जोड़ा जो है मेरे पास पहले पड़ा हुआ था। और उसके बाद ये चेक कर लें, ये मैंने लिया था किसी जगह से, बहुत ही आला तितर है, ये गर्म हो गया था, हीटअप हो गया था, टाप करना शुरू हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसने टाप भी रोका हुआ है, और पार भी इसके आ रहे हैं, दुम भी आ रही है, दूसरे पार भी आ रहे हैं। और ये वाला तितर देख लें, माशाल्लाह सिंधी तितर है, दुनिया जान के बेड़े रहे हैं, घर में ओपन पड़े रहते हैं, और हाथों से भी लड़ता है, मिसी की मस्ती भी करता है, सारा दिन का भुरिया रहा है। अभी जो है मेरे पास कम बो रहा है, मेरे पास जो है 3-4 तितर बड़े पड़े हुए थे, दो बच गए हैं, बकाया जो है मेरे पास सेल हो गए थे। एक जो मैंने आपको दिखाया था जिसके पिंजरा नीले कलर वाला पिंजरा था, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा हुआ था, वो आज जो है मैंने लाहौर के लिए कार्गो करवा दिया है। तो उसके बाद जी दोस्तों ये मेरे पास पड़ा हुआ है सिल्वर का जोड़ा, ब्रीडर पे आ रहा है, जिस भाई को चाहिए हो, मेरे पास तो खुडे नहीं है, खुडे पे अंदर छोड़ देता तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडो देना शुरू हो जाते, तो हमारे पास खुडा है नहीं, खुडे हमारे फुल भरे हुए हैं। और उसके बाद ये माशाल्लाह चेक कर लें, ये बोस की सिल्वर है, फुल साइज बड़े साइज का मेल है, नर है, जिस भाई को ये अकेला नर चाहिए हो तो ये मिल जाएगा। और उसके बाद ये माशाल्लाह चेक कर लें जी, मेरे पास तीन चिड़ंगे बटेर हैं, सारा दिन के बुलियार हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, पाँच छः हैं, दुनिया जान के बेडर हैं, देख लें, घर के ऊपर ओपन पड़े रहते हैं, जिस वक्त इनको मैंने ऊपर साइड साइड पर खड़े कर देता हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बोलते हैं। तो जिस भाई को ये चिड़ंगे बटेर चाहिए तो ये मिल जाएंगे। और उसके बाद जी दोस्तों ये माशाल्लाह जी मेरा फार्म, उसके बाद आपको चेक करवा दूँ जी, ये तारिक साहब हैं, कुरेशी साहब, आज़ाद घूमने वाला जोड़ा है, मादा नर किलों वाले हैं। तो ये तारिक साहब हैं, कुरेशी साहब, तारिक कुरेशी सवाबी की हैं, तो उन्होंने ये जोड़ा ले लिया है, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साइज़ का जोड़ा है और आज़ाद घूमने वाला है, अंडों बच्चों वाला है, ये कुरैशी साहब के पास आज चला जाएगा। और उसके बाद आपको और भी जो तितर हैं वो भी आपको सारे चेक करवाता हूँ। और उसके बाद जी ये वाला मेरा बैंटम का सेट है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 अंडे दे चुके हैं, मैंने इन कबूतर के अंदर रखे हुए हैं। तो ये जो है इनके इंशाल्लाह बच्चे सेल करूँगा, बड़ा सेट जो है वो सेल नहीं करता। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो और भी सेट लगाऊंगा फैंसी मुर्गियों के। और जी दोस्तों ये चेक कर लें, माशाल्लाह वाइटों का प्यार है, नार जो है पहले बिल्कुल नहीं मारा, 2-4 वीडियो पहले आगे देख लें, सारी वीडियो के अंदर नहीं मारा इसने। तो कल जो है ये मारना शुरू हो गया था, इसने ऊपर कंड के ऊपर हल्का सा ज़ख़म भी कर लिया है और सर के ऊपर जो है पार भी इसने खींच लिए हैं। फिर मैंने उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दिया है, ये अभी मिट्टी के अंदर खेली है, इसके सारा जो है पार जो वगैरह हैं वो मेले हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों ये चेक कर लें, ये ईरानियों वाइटों का प्यार है, फुल साइज़ बड़े साइज़ का और अंडों बच्चों वाला, बहुत ही तेज़ बला लाइन के, अच्छा से अच्छा प्यार है और फुल का दावर है, साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कमा पेशी नहीं है। और उसके बाद जी ये वाला चेक कर लें, ये खुद आप आया हुआ है पिंजरे के अंदर, दरवाज़ा इसका देख लें, पल्ली साइड पे खुला हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है, किसी किसी टाइम तितरों के अंदर खार कर जाता है। और मेरे बेटों के हाथों के ऊपर जो है यही वाला जोड़ा बोल रहा था, हाथों के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं जंगल में ले जाएँ, जिस जगह पर दिल करे ले जाएँ। और उसके बाद जी ये वाला जो है सेट, ये वाला पेयर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये वाइटों वाला मादा को आज 14-15 दिन हो चुके हैं, अंडों के ऊपर बैठी हुई है और इनको जो है ये सेल वाला नहीं है जोड़ा, ठीक है, ये मादा बाहर आ गई है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बैर आ जाती है, अंडे छोड़ देती है, इसलिए मैं नहीं इसको ज़्यादा देखता। और उसके बाद जी ये वाला वाइटों का पेयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक कर लें, फुल जोड़ा है, बड़ा जोड़ा है, देख लें, तो जिस भाई को ये वाला चाहिए हो तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो है आपको एक और पेयर दिखाने लगा हूँ, बहुत ही आला साइज़, फुल साइज़ बड़े साइज़ का जोड़ा है माशाल्लाह, फुल का दावर, ये नया लेकर आया हूँ और साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कम्मा पेशी नहीं है, बहुत ही बड़े साइज़ का पेयर है। तो ये महंगा है थोड़ा, जिस भाई को चाहिए हो तो ये वाला भी मिल जाएगा। तो दोस्तों तितरों का जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से जो है इनको आवाज़ की समझ नहीं आने देते। और ये वाला जो प्यार है ये भी तारिक साहब हैं कुरैशी सवाबी के, ये भी उन्होंने जोड़ा ले लिया है और इनके जो है 2 अंडे हो गए थे, इन्होंने इनके जो नीचे मैंने खुड्डा नहीं लगाया था, ठीक है। और ये जो है मेल उन्होंने इधर जो इन्होंने ईंट के ऊपर अंडा दिया था वो गिर के टूट गया है और एक अंडा आज फिर दूसरा भी इन्होंने अंडा दे दिया है। ये तारिक साहब हैं कुरैशी साहब और ये भी मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था ये अंडों के ऊपर तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके 2 अंडे हो चुके हैं। ये तारिक कुरैशी साहब का जोड़ा है, अल्लाह पाक तारिक भाई आपको नसीब करे, सऊदी अरब वाले सवाबी के हैं, तो ये भी उन्होंने जोड़ा लिया हुआ है, ठीक है, अल्लाह पाक उनके नसीब करे, अल्लाह पाक उनका शौक भी सलामत करे, वो खुद फार्म बना रहे हैं, सवाबी के हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो है कम से कम 5-6 पेयर ले चुके हैं। और ये वाला भी प्यार तारिक भाई हैं कुरैशी साहब सवाबी के, ये वाला नार जो है बहुत ही बड़े साइज़ का है, फुल साइज़ नार है, ये खुडे अपने अंदर खड़ा हुआ है और मादा जो है वो बैठी हुई है। ये तारिक साहब हैं कुरैशी साहब, सऊदी अरब रहते हैं और उनका घर जो है सवाबी में है, ये वाला प्यार भी उनका है, अल्लाह पाक उनके नसीब करे, ये आज रात जो है उनका कार्गो हो चुका है और इंशाल्लाह वो आज रात जो है कमेंट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, हमने पैसे भी भेजे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भेज दिए हैं, मेरे पास पैसे पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद ये वाला प्यार पड़ा हुआ है, ये भी अंडों के ऊपर तैयार है, फुल क्रॉस हो रहे हैं, तो जिस भाई को ये प्यार चाहिए तो ये वाला भी मिल जाएगा, फुल बड़ा जोड़ा है, अंडों बच्चों वाला जोड़ा है। तो खुडे के अंदर जितना भी परिंदा होता है वो डरता रहता है, जो उनके साथ हाथ हम नहीं लगाते ना उनके साथ जाते हैं। और उसके बाद जो है जी ये वाले चकोर माशाल्लाह चेक करें, फुल साइज़ हैं, बड़े साइज़ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परों में हर पैर नाखूनों तक बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो इसमें से एक पेयर जो है एक दोस्त से मेरी बात हो चुकी है, इंशाल्लाह सुबह तक ये भी कार्गो हो जाएगा, तो अल्लाह खैर करे, पीछे जो बात जाएगा मेरे पास 3 पेयर, जिस भाई को पेयर चाहिए हो तो पेयर मिल जाएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ, हमारा अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जो है आप तावन ज़रूर किया करें, हमारी वीडियो स्किप ना किया करें, वीडियो जो है आप पूरी देखा करें, पूरी देख के उसके बाद जो है जी ये मेरे बेटे हैं, ये आपको अलविदा करेंगे, सलाम करेंगे, ठीक है, दोस्तों को सलाम कर दें और हमारा चैनल जो है लाइक कर दें
लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्या करें दोस्त? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों हम आपके तावन की ज़रूरत है, आपके तावन से हमारा भी काम भी चलता रहता है और हमारा यूट्यूब चैनल भी आगे चला जाएगा। दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तो मिलते हैं और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो कल दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ता हमारा भी हौसला साथ साथ बढ़ता रहे। अल्लाह हाफिज़।